एक चम्मच के आसपास छोटा वाला मीठा किशमिश ले लिए और इसको फिर दो पानी तीन पानी से धो के निचोड़ के रख लिए हैं। बारीक कटा हुआ गरी है 1 से 1.5 चम्मच के आसपास का, जितना ज़्यादा पतला हो उतना ज़्यादा काटे, और फिर जब उसका टुकड़ा बनाना हो तो यहाँ पे जितना पतला जितना मोटा रखिएगा तो इसको सीजने में और इसमें दूध और मिठास का फ्लेवर आने में टाइम उतना लगता है, तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इसको पतला ही बारीक काटना है। और ये 3 तेज़पत्ता है, 2 इलायची, हरी इलायची है, घंटी कंपनी का 10 रुपया वाला, ये सेवई है, एक पतला वाला आता है जो स्टिक में लंबा लंबा रहता है, ये 85 ग्राम का 10 वाला आता है, तो इसी का लिए है ये 1 गिलास। अब इसमें बस अब आधा हिस्सा ही बचा है, तो 40 to 45 ग्राम के आसपास ये सेवई है। फुल क्रीम मिल्क लेंगे, नॉर्मल पानी है, गैस जला के कढ़ाई गर्म होने रखेंगे, अच्छे से इसको धो लेना है मीठा चीज़ बनाने से पहले, नहीं तो फिर दूध फटने का डर बना रहता है और टेस्ट भी फ्लेवर भी ख़राब आता है। हाफ टी स्पून या 1 टी स्पून के आसपास घी डालेंगे कढ़ाई में, अभी हाई फ्लेम है, ये डाल के एक बार मिला लेंगे। और इसको मीडियम हाई फ्लेम पे रेड होने तक इसको भूनते हुए डार्क गोल्डन कर लेंगे। अभी लाइट गोल्डन हो गया है तो यहाँ फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और अब लो फ्लेम पर थोड़ा देर और भुनेंगे ताकि ये लाइट गोल्डन जो है डार्क गोल्डन में चेंज हो जाए। और इसको लगातार चलाते हुए भूनना है, एक भी बार छोड़ना नहीं है। ये जितना डार्क होता है कलर, लेकिन जब पकता है तो फिर ये लाइट हो जाता है दोबारा से, तो इसलिए कलर उतना ही, बनने के बाद भी कलर उतना नहीं रहता है, काफ़ी लाइट हो जाएगा। यहाँ पे ये तेज पत्ता नारियल अभी इसमें डाल देंगे, बस मिक्स कर दिए हैं। मीठा जैसा रखना हो, अगर मीडियम ठीक ठाक मीठा रखना है तो बराबर में सेवे के बराबर में डालिएगा चीनी, अगर कम मीठा खाते हो हल्का तो हम इतना लिए हैं करीब हाफ ग्लास के आसपास, इसी ग्लास से सेवे भी नाप के लिए थे। और बिना मिलाए ये एक ग्लास पानी डाल दिए हैं मिक्सर में, फ्लेम बिल्कुल लो है, अच्छे से मिक्स हो गया है, तो बस हाफ ग्लास और इसमें पानी डाल दूंगा मीडियम फ्लेम पे, इसको उबलने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए, इसको अच्छे से उबाल आने देंगे ताकि थोड़ा सा इसका पानी भी सूख जाए और ये सीज भी जाए।
यहाँ पे लिक्विड एब्जॉर्ब कितना करेगा ये सेवे के थिकनेस पे डिपेंड करता है, किस कंपनी का ले रहे हैं वो कितना मोटा है। यहीं पे अगर पतला वाला रहता है तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो वहाँ पे दूध और दूध का अमाउंट बढ़ाना होता है। पानी लगभग सूख गया है तो यहीं पे किशमिश डाल देंगे। डालने से पहले यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे, अगर किशमिश खट्टा है तो फिर अभी नहीं डालिएगा, दूध बॉयल होने के बाद उसमें बंद करके ही डालना है। लेकिन मेरा किशमिश मीठा है तो इसलिए अभी डाल दिए ताकि उसमें मिठास भी आ जाए और तेज़पत्ता का फ्लेवर भी आ जाए। अब फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया, लो फ्लेम पे थोड़ा देर उसको रहने देंगे। किशमिश डाले 1 मिनट हो गया है तो अब यहाँ पे दूध डलाएगा। कर लेंगे अच्छे से और अब फ्लेम को हाई कर लेंगे जब तक कि उबाल ना आ जाए। उबाल आ गया है तो फ्लेम को बिल्कुल लो करके 5 मिनट ढक के इसको पकने देंगे। मिनट हो गया है तो इसका ढक्कन हटा के एक बार चेक कर लेंगे। सेवई का लच्छा ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ सॉफ्ट भी हो गया है, सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट दोनों हो गया है। तो अब ये मेरा रेडी हो गया है। यहाँ पे अगर इसका इसको ज़्यादा ड्राई रखना हो तो फ्लेम बढ़ा के इसका दूध को जला के इसको गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन इतना ही पे छोड़ देंगे तो कुछ टाइम के बाद ये अपने आप को एब्जॉर्ब भी करता है। यहाँ पे गैस ऑफ कर लेंगे और इसको सुसुम गर्म होने तक का वेट करेंगे। जब सुसुम गर्म हो जाए तो फ्लेवर के लिए ये इलायची का दाना को फ्रेशली इसका पाउडर बना के इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। गैस ऑफ कर दिए हैं और इसको दोबारा से ढक कर सुसुम गर्म होने तक का वेट करेंगे। खाने के लिए अभी रेडी हो गया है।